नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम शेयर कर रहे हैं छुहारा पाउडर कैसे बना सकते हैं, या खारिक पाउडर जिसे कहा जाता है, उसे घर में कैसे बना सकते हैं। ये एक रीडर की रिक्वेस्ट थी और हमने पहले इंग्लिश में ये वीडियो किया था और मुझे रिक्वेस्ट आई कि इसे हिंदी में भी दीजिए, तो आज हम वो कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास छुहारे हैं जो आसानी से किसी भी मेवे की दुकान पे या किसी भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत, आप देखेंगे, धूल मिट्टी बहुत होती है क्योंकि इनमें ये छोटे छोटे रिजेस होते हैं, तो अब इनको अच्छी तरह से धो के और टॉवल के ऊपर पोंछ के सारा मॉइस्चर इसका हटा लीजिए या हवा में सूखने दीजिए। और उसके बाद हम एक चाकू की मदद से इसको डीसीड कर लेंगे या इसके बीज अलग करके और जो छुहारे हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से करके, और जितने छोटे कर सकते हैं उतना अच्छा है क्योंकि हमें इनको डिहाइड्रेट करना है बाद में। पर ये क्योंकि पहले से भी सूखे हुए हैं तो बहुत आसान नहीं होता ये करना, थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव काम है। तो बीज को हटा दीजिए और चुहारों को इस तरह से काट के एक कटोरी में हमने किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास करीब एक कटोरी है जो मैंने पहले से करके रखे हुए हैं। अब इनको हम देखते हैं, जितना छोटा हो सके उतना हम काट लेंगे इनको। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमें इन्हें डिहाइड्रेट करना है, मतलब इनके अंदर जितना मॉइस्चर है वो सब हमें सुखा लेना है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश करते हैं। अगर आपके घर में बहुत अच्छी धूप आती है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो आप इसको ज़रूर छत पे या जहाँ पे भी सुखा के रखिए। मेरे घर में वो नहीं था तो मैंने ये एक स्टोव टॉप मेथड ट्राई किया था जो कि काफ़ी हद तक इसने मुझे रिजल्ट्स दिए। तो हमने एक पैन के ऊपर इनको डाल दिया है और चलाते हुए हम इन्हें डिहाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी काफ़ी मात्रा में शुगर होती है, तो आप देखेंगे एक मिनट के अंदर ही कैसे अपने शुगर रिलीज करना शुरू कर देंगे और ये चिपचिपे से होने लगेंगे। तो उस पॉइंट पे, क्योंकि हमें इनका, इन्हें हलवा नहीं बनाना है, हमें इनका जो मॉइस्चर है वो सुखाना है, तो हम उसे निकाल कर एक अलग प्लेट में रख देंगे और फैला के इनको फिर से ड्राई होने देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको सूखने दीजिए, छोड़ दीजिए, और उसके बाद हम इसको फिर से सुखाएंगे स्टोव टॉप पे डाल के। और ये प्रोसेस हमें कई बार करना पड़ेगा जब तक हमें ये ना लगे कि अब ये इतने सूख चुके हैं कि हम इनका पाउडर बना सकते हैं। तो अब वो जो हमने ठंडे कर लिए फिर से, उनको हम फिर डालेंगे यहाँ पे छुहारे के टुकड़ों को। जब ये छुहारों को जो हम बाज़ार से लाते हैं तो उनके बड़े बड़े डिहाइड्रेटर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज में, पर हम मैंने देखा अवन में भी ये इतना अच्छा नहीं होता है, पर अगर अच्छी धूप आती है तो ज़रूर आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। सो देखिए, फिर से हमने करके अभी इस स्टेज पे जब ये आ गया है, जब ये हम इसे पीस सकते हैं, ऐसा करने में कम से कम मुझे 10 से 12 बार वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। हमने एक मिनट तक हमने उसको सुखाया, उसके बाद ठंडा किया, फिर से 30 सेकेंड से एक मिनट तक किया, फिर ठंडा किया, ये प्रोसेस हमने 10 से 12 बार किया है। और अब ये काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, देखिए इनका रंग भी थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो अब इनको हम थोड़ा थोड़ा करके अपने जो आपका स्पाइस जार होता है आपकी मिक्सी का, उसमें डालिए। पूरा एक साथ डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े करके डालेंगे ताकि हमें एक अच्छा पाउडर मिल सके। तो इतना हमने भर दिया है और अभी इसको हम पीसेंगे, लेकिन एक साथ पूरा मत पीसिए वरना फिर से इसका पेस्ट जैसा बन जाएगा या चिपक जाएगा ये। तो इसको आप पल्स कीजिए, करीब 5 से 7 सेकंड पल्स कीजिए, रख दीजिए, फिर से थोड़ी देर बाद फिर पल्स कीजिए, फिर निकालिए, और बीच बीच में आप चम्मच से चलाते भी रहिए। पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये पूरा चिपक जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप, मेरी जार में भी थोड़ा थोड़ा ये चिपक गया है। तो अभी हमने इसको पीस लिया है, अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से छानेंगे ताकि हमें ये डेट शुगर या खारिक पाउडर मिल सके। ये इसमें, क्योंकि हम इसे इतनी बार इसको सुखा रहे हैं, तो इसकी जो मिठास है वो काफ़ी इंटेंसिफाइड हो जाती है,
और आप इसको बच्चे के खाने में जहाँ पे आप शुगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे भी डाल सकते हैं, और बहुत ही नेचुरल सेफ ऑप्शन है ये। तो जो ये बड़े टुकड़े बच गए उसके ऊपर उनको आप आहिस्ता आहिस्ता फिर से पेस्ट पाउडर बना सकते हैं। देखिए बहुत फाइन पाउडर नहीं है लेकिन ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और सीरियल्स में, लड्डुओं में, किसी भी हलवे में आप डाल सकते हैं इनको। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।